बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर विवाद। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। सीएम नीतीश से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने मीडिया से नहीं की बात। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर कविता के तर्ज पर किया था पोस्ट। लिखा था, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। सूत्रों के अनुसार पोस्ट के सहारे अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर साधा था निशाना। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर जताई आपत्ति। कहा, सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा। सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सुतली बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में जाली नोट मामले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। एक सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बबलू के नाम से और दूसरी गाड़ी रेहान के नाम से रजिस्टर। कुशीनगर में गिरफ्तारी के बाद रहम की भीख मांगते नजर आए आरोपी। व्हीलचेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखे। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफी खान। रफी खान के अखिलेश यादव के साथ भी है फोटो। नौशाद खान भी है समाजवादी पार्टी का नेता। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कुशीनगर में पुलिस के एक्शन पर बोले सपा नेता सुनील साजन, बीजेपी राज में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा, साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। कुशीनगर में सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले ओपी राजभर, हर कांड में सपा नेताओं का नाम, ऐसे लोग देश और समाज के दुश्मन, इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। पूछा, यूपी में हर अपराध में सपा के लोगों का नाम क्यों आता है। खाने पीने की चीजों में थूकने और मिलावट की खबरों के बाद एक्शन में सीएम योगी, उच्च स्तरीय बैठक पर दिया गया आदेश, खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई हो। बैठक में बोले सीएम योगी, खाने के चीजों में शुद्धता से कोई समझौता नहीं, खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। होटल के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लगाना होगा। खाने पीने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों की होगी सघन जांच। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तिरुपति में साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासानंद सरस्वती ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर बोला हमला। कहा, उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता को अशुद्ध किया, कभी भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीडीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा। बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ, पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस। हाथ में कपूर की आरती लिए बेगुनाही की शपथ ले रहे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल क्लिप का षड्यंत्र बताया। कहा, कहीं बाहर है वायरल क्लिप, वायरल वीडियो में प्रसाद में दिख रहे हैं चूहे के बच्चे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने जांच में साफ होगा कि क्लिप कब की है और कहां की है, ये कहा। डीसीपी लेवल के पुलिस अधिकारी से होगी जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुड़ा जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज। अब जमीन घोटाले में सीएम सिद्धरमैया का चलेगा मुकदमा। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री। सीएम सिद्धरमैया कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ कल डबल बेंच के सामने कर सकते हैं अपील। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बदलापुर एनकाउंटर की एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले अधिकारी का बयान। अक्षय शिंदे ने एएसआई नीलेश मोरे से पिस्तौल छीनी थी। सबको मारने की बात कहकर अक्षय ने चलाई गोली। एएसआई नीलेश मोरे के पैर में अक्षय शिंदे ने मारी थी गोली। एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने सवाल उठाए। कहा, अक्षय शिंदे को पटाखों से डर लगता था, वो पुलिस की बंदूक नहीं छीन सकता। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला। मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। देरी होने पर सबूत नष्ट करने की आशंका जताई। कोर्ट ने बुधवार का समय दिया। अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में जांच समिति गठित। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जांच समिति। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश महस के मुठभेड़ में लगी थी अक्षय शिंदे को गोली। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा। जज की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंड बजाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बदलापुर स्टेशन पर जश्न का माहौल। शिवसेना शिंदे गुट ने मिठाइयां बांटी। बैनर पर लिखा, नराधम को सजा मिली, सरकार का अभिनंदन, नराधम मरा, आत्मा शांत हुई।
लोगों ने एनकाउंटर को सही ठहराते हुए सरकार के फैसले का समर्थन किया। कहा एनकाउंटर से न्याय की उम्मीद पूरी हुई। अक्षय शिंदे ने एनकाउंटर पर सियासत तेज। नाना पटोले बोले, पुलिस एक के बाद एक बदल रही है कहानियां, मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। सीएम शिंदे ने कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में से कार्रवाई की, जांच के बाद और जानकारी सामने आ जाएगी। बदलापुर कांड के आरोपी के कथित एनकाउंटर पर संजय निरुपम का विपक्ष से सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला है? शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले, बच्चियों बेटियों पर गंदी नजरें रखने वाले दरिंदों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला कहा जा रहा। रेल डिरेल और ट्रेन दुर्घटना की घटनाओं पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे प्रशासन सतर्क। हम राज्य सरकारों, राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के संपर्क में। एनआईए भी एक्शन में, किसी भी घटना में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा उनकी एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली, ये देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मायावती के बयान पर समर्थन किया। कहा राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से एससी एसटी और ओबीसी समाज आहत और आक्रोशित। हरियाणा की फिरोजपुर जिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का नूह हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान। कहा सरकार बनने पर सिखाएंगे सबक, अन्याय करने वालों को छोड़ना पड़ेगा मेवा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने ऋषभ पंत की तारीफ की। कहा पंत भारतीय टीम में एग्रेसिव खिलाड़ी है, ऋषभ खेल को आगे ले जा सकता है। आईसीसी ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग में जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप शामिल।